वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ऑल का ऑप्शन अवश्य दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पराग बुटीक पर। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने एक बात सोची है कि आपको बड़े बड़े वीडियो तो मैं बनाकर बता रहा हूँ कटिंग के, ब्लाउज़ के, डिजाइन के, लेकिन आपको एक सबसे छोटी जानकारी जो कि ये इस ऑयल से संबंधित है। एक तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाइट ऑयल वापरते हैं जो कि बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा ऑयल को मशीन पर कैसे यूज़ करते हैं। देखिए मशीन में ऑयल डालने का सही तरीका क्या है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये छोटी सी जानकारी है लेकिन हमारी मशीन के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने आज आपको इस चीज़ की जानकारी देने के बारे में सोचा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग मशीन में ऑयल डालना दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ दिखाते हैं, जो मशीन का हमारा इंजन होता है उस पर। जबकि मशीन फ्री जब भी चलेगी, जब इसका पायदान फ्री होगा, तो पायदान में तेल डालना कोई नहीं बताता आपको। देखिए सबसे पहले पायदान अगर अपने पास है मशीन का, तो यहाँ पर ये देखिए, जिस पर हम पैर रखते हैं इसके साइड में यहाँ पर दो नट होते हैं जिनमें ये पायदान हमारा चलता है ना। तो एक पहले सबसे पहले तेल यहाँ डालिए, दूसरा इस जगह डालिए, इस जगह से भी देखिए ये जो नट होता है इसके ऊपर ये पूरा चलता है पायदान हमारा। तो पायदान जब ये यहाँ पर देखिए ये हिल रहा है पायदान, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ऑयल डालना ज़रूरी है, तभी हमारा पायदान फ्री चलेगा। दूसरा ये पायदान में देखिए यहाँ पर गियर है, दिख रहा होगा आपको, इस गियर में भी ऑयल डालिए, तभी हमारा ये गियर जो है स्वस्थ रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। अब आ जाते हैं ऊपर, देखिए ये हमारा चक्का है, देखिए गियर में एक गड्ढा है, इस जगह से यहाँ पर तेल दे दीजिए और इसके बाजू में भी डाल दीजिए, यहाँ पर भी ऑयल डालिए। ये हमारे चक्के के बाजू में रहता है जिसे हम झूला कहते हैं, झूले के दोनों साइड। इसी तरह से इस जगह भी ऑयल डालिए, क्योंकि यहाँ पर भी झूले का जो हमारा एक नट रहता है वो रहता है, और उसी में तीनों जगह तेल डालने के बाद हमारे ये पायदान का चक्का है जो फ्री चलेगा। अगर आप इसमें तेल नहीं देंगे, कई दिनों तक ये जाम पड़े रहेगा, तो आप ऊपर वाले मशीन के इंजन में कितना भी ऑयल डाल लीजिए, वो फ्री नहीं चल सकती पायदान के बिना। देखिए सबसे पहले जब मशीन पर ऑयल देते हैं हम लोग, तो क्या कीजिएगा, मशीन की सबसे पहले बॉबिन निकाल लीजिएगा, क्योंकि बॉबिन अगर नहीं निकालेंगे तो ये जो बॉबिन में अपना धागा लगा हुआ है उस पर तेल आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि बॉबिन निकाल लीजिए और साइड में रख लीजिए, ऊपर यदि धागा लगा हुआ तो इसे भी निकाल लीजिए और इसे भी साइड में रख लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम डेली जो तेल देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और आपकी मशीन यदि कभी जाम हो जाए तो इस प्रकार से तेल ऑयलिंग कर लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये जो मशीन में होल होते हैं ये देखिए इस प्रकार के, देखिए इसमें कोई ना कोई सामान अटक जाता है, ये जैसे इसमें मोती अटका हुआ है, तो यहाँ क्या होता है ऑयल हमारा नीचे नहीं जाता है, जबकि ये ऑयल के लिए ही जगह बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कुछ अटका हो तो उसे निकाल लीजिए, और ये देखिए यहाँ पर मशीन में यहाँ पर भी होल है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी एक होल है, एक होल इस जगह है ये देखिए, और एक होल इस जगह है, देखिए दो होल यहाँ पर भी सामने है ये जगह पर। ये होल यदि आपकी मशीन में नहीं दिख रहे हैं तो इन जगह पर ये होल रहता है, आप इस प्रकार से कोई नुकीली चीज़ से इन होलों को तैयार कर लीजिए। यदि आपको बार बार मशीन को नहीं उठाना है तो आप इन होलों में से तेल ऑयल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सभी होलों को खुले कर लिए हैं, ये देखिए इसमें से कचरा निकल रहा है, ये निकाल दिए हमने। अब क्या करेंगे आप, ये ऑयल लीजिए अपना और इसे देखिए इस तरह से इस होल में डाल दीजिए सुई को, और सुई पर तेल डालिए इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल जो हमारे मशीन के पार्ट्स होते हैं उन पर जाएगा तेल। ये देखिए दूसरे भी होल में इस प्रकार से सुई डाल दीजिए, क्योंकि अपन तेल डालेंगे तो तेल इधर उधर चले जाएगा, लेकिन मशीन टाइप ये जो सुई है जो अल्पिन ली है मैंने, इसे यहाँ पर डाल दिया, और ये देखिए ये दो बूंद तेल, सिर्फ दो बूंद, यदि इस तरह से तेल डालेंगे तो दो बूंद में काम चल जाएगा, और अपन ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो बहुत सारा तेल इधर उधर बगड़ जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर भी दो बूंद तेल डाल दिया, ये जितने भी होल है इनमें सभी में दो दो बूंद तेल डाल दीजिए, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देखिए इस तरफ भी मैंने आगे ले जाकर ये दो दो बूंद दोनों में तेल डाल दिया है, ये देखिए यहाँ पर भी, और ये जो जगह है ये शटल की जो राड रहती है
शटल की रॉड पर जाकर इसका तेल जाएगा। तो देखिए यहाँ से और शटल की रॉड तक लगभग 1 इंच की दूरी है। यदि हम इस तरह डायरेक्ट तेल डालेंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, वो इधर उधर ही रह जाएगा और हम सोचेंगे कि हमने मशीन को ऑयल दे दिया है। लेकिन आप इस तरह से सुई लीजिए, ये देखिए बिल्कुल शटल की रॉड पर रखा गई है ये, और शटल की रॉड पर ये सुई में से तेल चला गया। अब क्या कीजिए, इस तरह से ये हमारी जो सुई है इसे नीचे कर लीजिए और सुई पर भी 2 बूंद तेल डाल दीजिए। हमारा जो शटल है, शटल के ऊपर इसमें से ऑयल चला गया। अब फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा चक्का है इस पर ऑयल डालने का ये जगह है, इस जगह पर ऑयल डालें सिर्फ 2 बूंद। इससे आप तेल जो डाल रहे हैं बिल्कुल सही जगह पर जाएगा। और दूसरा यहाँ पर, ये देखिए ये भी, और ये तीसरा यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये दोनों जगह से गेयर में तेल चले गया और इस जगह से जो हमारी मशीन की दाती बड़ी छोटी होती है उसकी उसका एक पार्ट्स होता है, उस पर से तेल चले जाता है। और इस जगह पर तेल डालिएगा ताकि हमारी जो राड रहे, देखिए इसमें से भी आप कितना कचरा निकल रहा है, यहाँ से हटा दीजिए और इस प्रकार से इसे ऑयल कर दीजिए। ये मैंने ऑयल कर दिया, ये जगह पर चले गया। अब यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, इस प्रकार से सुई लीजिए और ऑयल कर दीजिए, देखिए, और यहाँ पर भी। अब इसी प्रकार ये जो हमारी राड है, राड के ऊपर 2 बूंद डाल दीजिए। ये वाली जो जगह है, ये हमारी जो सुई की शाफ्ट होती है, इसमें ऑयल डालते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर हमने 2 बूंद तेल डाल दिया। ये देखिए यहाँ पर एक पार्ट्स दिख रहा होगा आपको, इस पार्ट्स में भी हम यहाँ से ऑयल डालते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ही हमारे जो मशीन का झूला होता है, झूले में ऑयल पहुँचाता है। ये हमारा एक गेयर की तरह होता है, इसमें अगर आप ऑयल नहीं देंगे तो ये हमारा गेयर जल्दी घस जाएगा और मशीन बार बार रिपेयरिंग के लिए निकलेगी। ये आप डेली जो ऑयल, ये देखिए यहाँ पर भी हमारी जो लपलपी है इसके ऊपर भी यहाँ पर ऑयल डालना आवश्यक है, क्योंकि ये लपलपी में अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो ये लपलपी हमारी घस जाएगी और मशीन बहुत आवाज़ करेगी। इसीलिए इसमें जब भी आप मशीन को चालू करें इन सब जगहों पर ऑयल ज़रूर करें। अब मैं आपको जो मेरा अगला वाला वीडियो रहेगा उसमें बताऊँगा कि जो मैकेनिक लोग हैं वो किस तरह मशीन को ऑयलिंग और करते हैं, तो ऑयल कहाँ कहाँ डलता है और ग्रीस कहाँ लगता है, इस प्रकार की मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि मशीन की ऑयलिंग का ध्यान रखिए। यदि आप मशीन को ऑयलिंग बराबर करेंगे और सही जगह करेंगे तो आपकी मशीन आपका साथ देते रहेगी और आपको मेरे हिसाब से लक्ष्मी कमा कर देती रहेगी। और यदि आप इस प्रकार से मशीन की ऑयलिंग नहीं करेंगे तो फिर आपकी मशीन बहुत आवाज़ भी करने लग जाएगी कुछ दिनों में और बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम तैयार। दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।